कस्टमर 10 के बाद बात करता है कस्टमर 11 पे. 11 में कहता है जी ऑन 1 जनवरी देर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द वेजेस अकाउंट ऑफ 2000. सही. अब यहाँ पे हमें वेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा. वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 48,000. ईयर एंड पे वेजेस क्या है, अनपेड है. हमें बताना है इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज करेंगे. या तो आप इसके लिए पाप अकाउंट बनाए, या एक ज्यादा आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले ले लें बैंक. मुझे बताएं ईयर एंड पे अक्रूड है या प्रीपेड है. कह रहा है ईयर एंड पे वेजिंग अनपेड, वेजेस रिमेन अनपेड. अनपेड का मतलब अक्रूड. तो क्लोजिंग अक्रूड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. बैंक में क्लोजिंग अक्रूड क्या कर लें, प्लस कर. और अगर क्लोजिंग अक्रूड प्लस कर लें, ओपनिंग में क्या दिया हुआ है, अक्रूड है या प्रीपेड है. 1 जनवरी में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये अक्रूड होगा, क्योंकि वेजेस अगर अक्रूड है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी. लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट. अगर क्लोजिंग अक्रूड ऐड हो रहा है तो ओपनिंग अक्रूड क्या हो जाएगा भाई, लेस हो जाएगा. ओपनिंग वाले को क्या करते हैं, माइनस कर. मुझे बताएं बैंक कितना दिया हुआ है इस साल. हमने जो है वो देख लेते हैं भाई अभी इस्माइल. ओपनिंग अगर आप देखें, सबसे पहले तो बैंक बता दो इस साल हमने वेजेस पे किए कितनी, 48,000. और ईयर एंड पे कितना अनपेड है, 3,500. 3,500 ऐड कर दो. और मुझे बताएं कितना हम एडवांस में पे कर चुके हैं, सॉरी कितना हमारे लिए साल के शुरू में अक्रूड था, 2,000. ये माइनस कर तो आ जाएगा भाई 48,000 प्लस 3,500 माइनस 2,000, ये आ गया 49,500. सी बिल्कुल सही है, 49,500. चाहे तो आप इसका पाप अकाउंट बना ले, उससे भी रिजल्ट.